आखिर कुदरत भी क्या कहर ढा रही है। एक तरफ तूफान दस्तक दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर भूकंप झटके दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो अब कुदरत इंसान से एक एक हिसाब चुकता कर रही है। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तबाही की आशंका से गुजरात में तटीय इलाके के लोग सहमे हुए हैं। इस बीच धरती के भीतर हुई हलचल से पूरा उत्तर भारत कांप उठा है। भूकंप के झटके भारत के साथ ही चीन और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए हैं। देश में दिल्ली NCR, चंडीगढ़, पंजाब से लेकर कश्मीर तक धरती हिलने से लोग दहशत में आ गए हैं। एक तरफ समुद्र में तूफान और अब धरती के नीचे हलचल, लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर देश में ये क्या हो रहा है। दोपहर के समय जब लोग अपने ऑफिस में बैठकर लंच कर रहे थे, कई लोग मेट्रो में सफर कर रहे थे, कश्मीर में बच्चे स्कूलों में थे, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, इसी बीच एक झटके में पूरा उत्तर भारत सहम उठा। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। भूकंप के ये झटके पाकिस्तान के साथ ही चीन में भी महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र डोडा जम्मू कश्मीर बताया जा रहा है, जहां चक्रवात को लेकर अगले 48 घंटे काफी अहम है। वहीं इस तरह धरती कांपने के बाद अब लोगों के मन में आफ्टर शॉक का डर बना हुआ है। भूकंप के झटके लगभग 10 सेकंड तक महसूस किए गए हैं। जिस तेजी से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय महातूफान में तब्दील हो रहा है, उससे गुजरात में खतरा बना हुआ है। राज्य में सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। चक्रवात से खतरे को लेकर अगले 48 घंटे काफी अहम हैं। वहीं भूकंप को लेकर भी खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिर जो तूफान कल दस्तक देने वाला है, वो अपने साथ क्या क्या तबाही मचाकर जाएगा।